अरे भैया वो जो डूमर फूफा जी है ना, उनका छोटे भाई हैं वो। अरे ये डूमर फूफा जी कहाँ से आ गए? बेटा तिवारी जी, अभी तो शुरुआत है, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जैसी तू किसका चेहरा गाता था तेरा फोन आ जाता था। अच्छा, अब किसका चेहरा से गजल बाबा पर शुरू कीजिए। चलिए है, माफी चाहेंगे यार। कोई बात नहीं। किसका चेहरा? What the hell? कहाँ है बेर? कहाँ है? फोन बंद नहीं कर रहा है तू? कहाँ है बीच-बीच में फोन उठा रहा है? अरे अम्मा, किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट का भी तो फोन हो सकता है। लगता किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट का ही फोन है। हेलो सर। यस मन्नु भैया भंडारी बोल रहे हैं। तिवारी जी, ये क्या कर रहे हैं हम? भाभी जी, ये अलाप गा रहे हैं। आवाज से तो लग रहा है विलाप कर रहे हैं। ऐ मन्ने भैया, भंडारी बोल रहे हैं, भंडारी। ऐसा है, ये चला गया तो मैं ही एक गजल गा देता हूं। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना, चुपके। अबे ये सब चुपके के कहां निकल गए भाई? लड्डू के भैया, यहाँ देखे ना हमारी तरफ। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। और तुम कितनी बार हैप्पी बर्थडे बोलोगी है? उका है ना कि हमारा मन ही ना आए भर रहा है। हमारा मन कर रहा है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में हम आपको भिस करे, आइए ना हमारे पास। आपको पता है आप बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे 15 साल पहले थे। अकेबली मूछबा में फर्क आया है। अब तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी का साथ हो तो साल भी यूं पलों में गुजर जाते हैं पगली। हाय दिया, आपका हमको खूबसूरत समझते हैं का? अरे पगली, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। आप भी तो बहुत ही बड़े हैंडपंप हैं। हैंडपंप? हैंडपंप तो पगली सनी देओल ने उखाड़ा था। तुम शायद हैंडसम कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या गिफ्ट देना चाह रही हो तुम हमारे बर्थडे पे? आपको क्या चाहिए? हमको तो तनिक रोमांस चाहिए पगली। आइडिया। अब इससे अच्छा गिफ्ट तो हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। आओ तनिक करीब। तेरी छोड़ो। आइडिया का छू तो बज रहा है। एक मिनट साला, इस वक्त किस मनहूस का फोन आ गया बे? आपको फिस करने के लिए कॉल किए होंगे। विश होता है पगली, विश। ऐसे ही पकड़े हैं। हेलो मन्नु भैया बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हूँ, आप कौन? पता नहीं मन्नु भैया, हम बोल रहे हैं भंडारी, भंडारी बोल रहे हैं, भंडारी। एक मिनट, थोड़ी देर रुक जाओ पगली, करते ना रोमांस। ये कौन भंडारी? वही जो नीचे पार्टी में बोल रहे थे। हाँ हाँ, वही वही भंडारी। ये बात किए ना हमारे साथ? हाँ भंडारी बोल रहे हैं, भंडारी। यार पहचान नहीं पाए पगली, किसी भंडारी नाम के आदमी को जानती हो क्या? भंडारी नहीं। ऐसा है सर, हम किसी भंडारी भंडारी को नहीं जानते। तुम तो खोल के परिचय दीजिए थोड़ा। देखिए भैया, भैया मन्नू भैया, अब हमें सर ना बोलिए, आप बहुत बड़े हमसे उम्र में, हम हमारे चाचा की उम्र के हैं, हम आपका पैर छूते हैं। अच्छा ठीक है, हम सरवर नहीं बोलेंगे, ये बता दीजिए कि हम आपके हैं कौन? अरे भाई धुर्रा प्रेमनगर वाली मौसी, धुर्रू देवी, उनको तो पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं? धुर्रा प्रेमनगर, धुर्री देवी,
ये कहाँ की देवी है भाई साहब? अभी तो कहा है आपसे कि धुर्रे प्रेमनगर से हैं। वो धुरेलाल मौसा जी है ना, उनके दूसरी वाली हैं, ये पहली भाग गई थी उनकी। एक मिनट तक होल्ड करो यार। पगली को वो धुर्रा प्रेम नगर में हमरे कोई रिश्तेदार रहते हैं क्या? कोई धुर्री देवी कोई अम्मा की बहन बहन है क्या भाई? अम्मा जी को कॉल करके पूछेगा। हाँ करो करो, चलो वहाँ जाके करो। ठीक बा भैया, ये धुर्रेलाल मौसा जी क्या करते हैं? अरे भैया नहीं जानते आप उनको? हमारे बाबा बड़े आदमी हैं, धुर्रा एंड धुर्रा सन्स के उनके चार्ट कट खेले हैं, पूरे धुर्रे नगर में लूट मचा रखी है। क्या बात कर रहे हैं आप? हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जी, हमरे बच्चे कैसन बा? हम ठीक बा अम्मा जी, एक तो सवाल पूछना था आपसे। हाँ हाँ पूछो पूछो। अम्मा जी, ओ हमरे कोनो रिश्तेदार है का धुर्रा प्रेम नगर में? धुर्री देवी जी का नाम लिए? धुर्रा प्रेम नगर वाली धुर्री देवी जी। धुर्री देवी, अच्छा अच्छा, सही पकड़े हैं। नहीं हमको तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, जैसे याद आएगा हम फोन करके बताते हैं। ठीक बा अम्मा जी, हम इंतजार करें। हाँ ये बताइए, हमारी भौजी जो हैं, हमारी भाभी कैसी हैं? अबे ज्यादा बकवास मत कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या बात कर रहे हैं आप, हमारी भौजाई हैं, हम करेंगे मजाक, हम देवर हैं उनके, आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी जब मैं तेरे को जानता ही नहीं, तेरे साथ कोई परिचय नहीं है, तू हमारी बीवी के साथ ऐसे मजाक कैसे कर सकता है? क्योंकि भैया वो अम्मा जी से पूछ रहे ना, उनको याद नहीं आ रहा है कौन धुरी देवी। सुना बे, हमने पता कर लिया, हमें समझ में नहीं आ रहा कौन धुर्री देवी कौन भुर्री देवी है, नहीं समझ में आ रहा भाई। ए बन्ने भैया आप मजाक कर रहे हैं। देखे बन्ने भैया, बड़ा मखौलियां हैं, टिटोलियां हैं। अबे यार मजाक कहाँ लग रहा है तेरे को ये सब? नहीं हम समझ रहे हैं, आप धुर्री देवी को जानते हैं लेकिन पहचानने से मना कर रहे हैं। अच्छा याद कीजिए, भौरी लाल फूफा जी की शादी में जो टूट टूट के नाची थी, कौन थी याद कीजिए? सबकी जड़ें हिला दी थी, आपकी भी। हाँ अरे धुर्री देवी थी वो। हाँ बहुरी लाल फूफा जी बीच में कहां से घुस गए यार, हम वहां नहीं थे जड़ें हिलाने को। अरे मन्नू भैया, आप बहुरी लाल फूफा जी को नहीं जानते हैं? अरे कंचन बुआ का दूसरा हस्बैंड है, पहले छोड़ के चले गए। अबे अभी कंचन बुआ जी कौन है बे? देखिए मन्नू भैया, ये मत कहिएगा कि आप कंचन बुआ को नहीं जानते, हम बुरा मान जाएंगे अब। कंचन बुआ जी है का कोई? कंचन बुआ जी, अम्मा जी को कॉल करके पूछ लो। हाँ। हाँ बहुरिया, देखो हम पंडित रामफल को फोन लगाए थे, वो हमको बताए हैं कि हम किसी धुर्री देवी को नहीं जानते हैं। अम्मा जी धुर्री देवी गई गुया के खेत में, पूना लड्डू के भैया बहुत परेशान हो रहे, कछु तो काल पर हैं। वो कंचन बुआ जी कौन है जानते हैं? कंचन? हाँ अच्छा, नहीं हमको तो याद नहीं आ रहा है, पंडित रामफल से पूछ के बताते हैं। हैं ठीक बा। हेलो आप डार्लिंग पंडित जी? अरे क्या बात है? एक तो सवाल पूछना था। अरे वो धुरी देवी वाला बताए ना हम तुमको? अरे नहीं नहीं, धुरी देवी नहीं, आप को ना कंचन को जानते हैं हमारे रिश्ते में? कंचन नाम? नहीं ये तो हमको नहीं जान पड़ रहा है कोई। नहीं है ना, अच्छा ठीक है। बहुरिया हमको ना कंचन नहीं जानते हैं, पंडित रामफल बता रहे कि ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है हमरा। वो कहा है ना, हमारे जितने भी रिश्तेदार है ना, हमसे ज्यादा तो पंडित रामफल जानते हैं उनको। भाई तो अम्मा जी, ससुर जी तो हमरा मधुर पंडित जी तो जानते ही होंगे ना। ठीक बा अम्मा जी, कॉल रखते हैं, बाय बाय। हाँ खुश रहो। एक मिनट होल्ड कर यार। काहे कि अम्मा जी बोली कंचन बुआ जी कौन नाई है वो नहीं जानते। सुनो बे, हमने सारी छानबीन कर ली है, सारा सोच विचार कर लिया है, जो जो भी रिश्तेदारों के नाम बताए हैं उन रिश्तेदारों में से हम किसी को भी नहीं जानते। अन्न भैया, हम ना बड़े इमोशनल आदमी हैं, देखिए आप भले बहुत धनवान हैं, पैसे वाले हैं, बड़े रसूख वाले हैं, लेकिन आपको जो है अपने गरीब रिश्तेदारों को नहीं ना भूलना चाहिए, गलत बात। अबे कौन से रिश्तेदार, कहां से रिश्तेदार?
कौन धुर्रे लाल मौसा जी, कौन धुर्री देवी और कौन बहुरी लाल, कौन कंचन, तू काय दे रहा है टेंशन? अबे फोन काट। भैया हम आपको डिस्टर्ब नहीं ना करना चाह रहे थे, लेकिन हम इमरती चाची साहब की शिकायत करेंगे कि आप हमसे मिसबिहेवियर किए हैं। अबे कौन इमरती चाची? अम्मा जी को कॉल करके पूछेगा। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हर लगा, हर हर हल लगा, काटा लगा। अब जी काटा लग गया, बताइए कहाँ लगा काटा, बताइए काटा कहाँ लगा। हाय जी ये गाना गा रहे हम, काटा कहाँ से लगेगा हमको। अरे भाई भाभी जी कैसे हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसे बा? भाभी जी I'm good, I'm very good. आप लड्डू के भैया के बुड्ढे पर काहे नहीं आए? भाभी जी मैं बुड्ढे के बर्थडे मतलब लड्डू के भैया के बर्थडे पे इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मैं बिजी था। I was very busy. कहाँ बिजी थे? अनीता जी तो आ ही रहे। अनु बिजी नहीं थी भाभी जी, मैं बिजी था। मेरी भी कुछ एक जिंदगी है, मेरी भी कुछ लाइफ है बिसाइड्स अनु। एक्चुअली मैं एक घटिया आदमी से अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा था चुन चुन के। कौन घटिया आदमी? एक मनहूस जिसने एक मासूम सी बुलबुल को अपने पंजों में कैद कर रखा है, लूट के ले जाऊंगा। दिया कौन किसको दबोचे हैं? आप कौन? अक्का बोले। मैंने कहा भाभी जी हम तो बोल बोल के थक गए लेकिन आप हैं कि ठस से मस्त नहीं होती। अक्का बोले। मैंने कहा भाभी जी तिवारी नजर नहीं आ रहे, मर गए क्या? अक्का बोले नहीं कुछ नहीं। ये क्यों, क्या तिवारी जी को देखने की बड़ी बेचैनी हो रही है आपको? बेचैन तो तू होगा कच्चा बनियान, समझ ले हो गया। कुछ कुछ बका आपने भी? नहीं कुछ नहीं बका। अच्छा ठीक है, और सुनाइए कैसा रहा आपका हैप्पी बर्थडे? अरे हैप्पी बर्थडे की मत पूछो, लेकिन आप नहीं आए जनाब हैप्पी बर्थडे में है? लेकिन आप समझ गए थे कि आपके पास जो है वो हमें गिफ्ट विफ्ट देने के लिए पैसे नहीं होंगे। हाँ ये तो है तिवारी जी, आज इतने बड़े आदमी हैं, आपको गिफ्ट देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए नहीं आए हम। क्या हो गया? हाँ क्या हुआ? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं है। नहीं, नहीं क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, कह रहे हैं ना कुछ नहीं हुआ। चौके एकदम से मैं समझ गया। नहीं तो फिर कैसी रही पार्टी? अरे पार्टी यार, पार्टी के बारे में पूछेंगे तो भाई जनाब क्या का हुआ? उठा का नहीं लेते, इतना बार बार उछल कह रहे हैं। पगली भाई मनोज आदमी बार बार फोन कर रहा है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, का हुआ का हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक बढ़िया मजे में। okay, okay. पार्टी में तो मेहमान होगा, आपने खूब ब्रांडेड पिलाई होगी हैं अलग तक। अरे भाई ब्रांडेड शराब की पूछेंगे तो क्या बताइए। अरे कुछ नहीं भाई ऐसे। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। सेठ जी प्रणाम। भाभी जी प्रणाम। क्या बात है, हाँ टीका टिल्लू भैया आज तो आप लोग बहुत ही सज्जनता से पेश आ रहे हैं। भाभी जी वो क्या है ना कि एक बड़े महात्मा ने बताया है, सभी से प्रेम से पेश आओ और हर किसी को प्रणाम करो। बहुत अच्छे, रात को तो मजो आगो भैया। मजो तो आएगो ना, मुफ्त की जो पीने को मिली, खुद के पैसे खर्च करके भी कभी पी लिया करो, सारी की सारी दारू गटक गए। चूस महात्मा मी पार्टी में बुलाए हो तो गटकेंगे ही ना, लुड़केंगे ही ना। टीका जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आप इतने बड़े वाली मक्खी चूस हो तो फिर पार्टी में बुलाते क्यों? अकेले केक काट लो, अकेले ही खा लो, अकेले हैप्पी बर्थडे बोल दो और अकेले गिफ्ट दे दो, क्यों भाभी जी? बहुत अच्छे। देख बे तिवारी जी को क्या हो गया, क्या हुआ? वो कल से बोराए हुए ऐसी कुछ तो। भाभी जी प्रणाम। भाभी जी प्रणाम। हम निकलते हैं। I like your attitude, very positive, great, yeah, good, good boys. तमीज, कमबख्त। देखना कर लो, एक दिन मैं तुम्हें दिल्ली का लाल किला दिखाऊंगा। यस दैट्स माय प्रॉमिस। वाह हेलो, बाद में कॉल। अरे 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 इते आओ इते आओ। जय 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 जय। हमें बड़ा अच्छा लग रहा, बहुत बढ़िया मनोहर,
तू अपनी बीवी को दिल्ली को लाल किला घुमाएगा? यस सर, एक्चुअली क्या है सर कि मेरी बीवी बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी है कि मैं उसे कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जा रहा हूँ सर। कैसे ले जाऊँ सर, ड्यूटी से टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो सर मुश्किल हो रही है सर। अब हमें बुरू लग गऊ देखा रहे तुम पे, जब ड्यूटी को कफाए थे तो अगर अपनी लुगाई को अपनी बीवी को तू घुमाने ही नहीं ले जा रहा हूँ तो का मतलब है फिर जिंदगी को? हमें देख टाइम जो देख सारे, हम अपनी बीवी को ले जा रहे हैं जहाज में बैठा कर पूरा समंदर दिखाने, ऐसे जान नजरें दौड़ाएगी चारों तरफ बस समंदर ही समंदर, खुशी की मारे बाहों में भर लेगी, समझ रहे हो? तो पता है तो कुछ टिकट ले आई, एक टिकट पता कितने को है? कितने के सर? एक टिकट की कीमत है 25,000 रुपया। आपके तो मजे है सर। वैसे सर ये पैसे आपने आपकी जेब से थोड़ी ना लगाए हैं, ये तो आपकी किसी पार्टी ने आपको स्पॉन्सर किया होगा, जिन लोगों से आप न्योछावर का हफ्ता खाते हैं। तेरी बाप की खाती है का? तो जितने डंक मारने ना मार ले अबे। एक बार हम जो अपनी लुगाई के साथ घूम के आ जाएं जहाज पैसे, फिर यही थाने में तेरे कनकौवा बना के सारे उड़ाएंगे, देखिए तू। इसके अलावा तुझे आता ही क्या आपको? बोलू कुछ नहीं सर। आप जा कब रहे सर? 28 नवंबर को जा रहे। 28 नवंबर? वैसे आपने छुट्टी के लिए कोई अर्जी वर्जी दी थी जो आपको जहाज पर घूमने जाना है इसके लिए? हाँ दई थी। अर्जी दई थी। वेट अ मिनट सर, क्या वो अर्जी यही है? जो कौन ने फाड़ी? ये कमिश्नर सर ने फाड़ी, क्योंकि छुट्टी पर वो जा रहे हैं इसलिए उन्होंने आपकी अर्जी के ऐसे टुकड़े टुकड़े किए। मनोहर जी, संपल जैन साहब। जय हिंद जय हिंद जैन साहब। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चाय मंगवा, चाय मंगवा। आई डोंट वांट टी बट आई वांट वाटर एंड व्हाट्स गोइंग ऑन पल्स। आप मतलब हैं आज आपको मतलब लहजू बदलू लग रहो, कोनू अंग्रेजी कुत्ता ने काट लो का। दरअसल बात यह है, एक्चुअली मैं अपनी वाइफ के साथ में कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए लंदन जा रहा हूँ। तो वहाँ के थॉर थरी के सीखने के लिए क्लासेस ले रहा हूँ। वेरी गुड, लेनू चाहिए। अब वैसे कौन सी तारीख को जा रहे हैं आप? 28 नवंबर। हम क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे हैं? के हेर फेर हवा, मतलब है कि बहुत जल्दी है, आप तैयारी ढंग से लगा ना पाओगे। काश 28 नवंबर तो आने वाली है, आप तनक दिसंबर में चले जाओ ना, 28 दिसंबर को एडजस्ट कर लूँ। असल में हम 28 नवंबर को अपनी बीबी के साथ घूमन जा रहे, हमने बादू करूबा को जहाज पे घुमाएंगे, टिकट मिले। ये सजेशन जो अभी तुमने मुझे दिया है वो तुम अपने ऊपर क्यों नहीं लागू कर लेते अपू सिंह? तुमने मुझे क्या मनोहर जैसा मामूली हवलदार समझ के रखा है कि मैं तुम्हारे लिए एडजस्ट करूं? अम्मा मर गई का तेरी। नौटंकी सर। अरे अरे मेरा मन्नू, मेरा मन्नू, मेरा सुनो मन्नू, मन्नू चुप हो जाओ, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे जरा गौर से सुनो। मेरे लंदन से लौटने के बाद तुम अपनी वाइफ के साथ में छुट्टी पे जाओगे। नहीं। ऑलराइट लंदन। थैंक। और तुम्हारी छुट्टी एडजस्ट करेगा हप्पू सिंह। करेंगे, हम ही करेंगे एडजस्ट, हम ही तो करते आ रहे हैं एडजस्ट। दुसारो घी को लट सोने की असरपियां दे रहे हुए का अलग से खाने में, जब जब सारू मौका हुए हमने छाती पे गोली खाई है। अपने सीनियर अफसरन की आगे दो मिला रहे हैं, आगे पीछे ना अपनी मर्जी से खा पा रहे हैं ना खुजा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे, सिर्फ चलेगी आप जैसे अफसरों की। पप्पू सिंह,
तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी जरूरत से ज्यादा ही कुछ बोल रहे हो? भाव में निकल गो, हम ऐसा अंदर करूं इरादा ना, तो सॉरी। चाड़ा बापू सिंह, ये तुम्हारे घर की पंचायत नहीं है जो पहले अपने बॉस के साथ में बदतमीजी करो और उसके बाद में सॉरी बोलो। हमें पछतावा हो रहा, हमें जाने कहोगे कजू दिन, छोटी छोटी बात पे हम एकदम से गुस्सा हो जाती है, बाद में हमें बहुत बहुत ज्यादा घुटन होती है कि हमने जो कब बोल दो सॉरी। अगर आप है गुस्से से परेशान तो चिंता मत कीजिए मेरी जान, क्योंकि मॉडर्न कॉलोनी में खुल गई है एंगर मैनेजमेंट की दुकान। साहब, जो एंगर मैनेजमेंट का हो तो है? एंगर मैनेजमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर पीपल लर्न स्टेप्स इन टू हेल्प देम इन स्टेइंग काम। को बोलो? जो बोलो। सब जग एंगर मैनेजमेंट की क्लास कहां पे लग रही है? प्रोप्राइटर्स अनीता मिश्रा, मकान नंबर 9, मॉडर्न कॉलोनी, छकरकटी, खानपुर वेस्ट। सही जगह लग रही, सही जगह लग। जाएंगे